बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑक्सीडाइजेशन ऑफ मानोसिक राइड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर डिपेंड करता है कि वो टर्मिनल एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, टर्मिनल कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और टर्मिनल अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। इनको सेपरेटली भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब एल्डिहाइड को सेपरेटली ऑक्सीडाइज करे या कीटोन को सेपरेटली ऑक्सीडाइज करे या टर्मिनल अल्कोहल को सेपरेटली और साथ साथ भी, मतलब एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करे या टर्मिनल कीटोन के साथ टर्मिनल अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लिया है। ग्लूकोज हमारे साथ ये एक अल्डोज है, अल्डोज मीन्स कि इसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम ग्लूकोज के टर्मिनल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करें, ग्लूकोज के टर्मिनल एल्डिहाइड को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड में, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड में। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज के टर्मिनल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोरोनिक एसिड में। ये याद रखिए कि ग्लूकोज को जब ग्लूकोज के एल्डिहाइड को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड में, अगर टर्मिनल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोरोनिक एसिड में।